हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं बर्ड नेस्ट। इसे बनाना काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लगता और ये खाने के बाद काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या हमें सामान लगेगा। आज हमने लिया है बॉइल्ड पोटैटो, वर्मीसेली, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, पनीर, चाट मसाला, प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सामान हमें आज बर्ड नेस्ट बनाने में लगने वाला है। पहले हमने आलू को मैश कर लिया है, आप चाहें तो इसे किस भी सकते हैं। अच्छे से इसे मैश कर लें। मैश करने के बाद हमें इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। हमने अनियन चॉप किए हैं वो डाले हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली थी उनमें अब डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च डालना, आप जितना आपके घर में खाते हैं उतना डाल सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर हमें बनाना है। बाद में इसको पिसाना करना डालना, मुझे एक चम्मच या दो चम्मच कॉर्न फ्लोर डालना। ये अच्छे से इसको जब हम बर्ड नेस्ट बनाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तरीके का मिक्सचर बनना चाहिए, ये देखिए अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए हमारी स्लरी बनके तैयार हो चुकी है। अब ना जो हमने वर्मीसेली है ना, पहले हमें रोस्ट करनी है, अच्छे से रोस्ट करनी है और उसे अपने हाथ से ऐसे क्रश कर लेना है। ये देखिए अब इसके बाद ये मैंने बर्नर्स बना लिए हैं अच्छे से। अब हम इसके लिए बॉल्स बनाएंगे। तो हमें किसा हुआ पनीर लेना है, उसमें हल्का सा नमक डालना है और कॉर्नफ्लोर डालना है दो चम्मच, नमक, काली मिर्च, ताकि इसका एक मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर में जब हम इसे बॉल्स बनाएंगे तो हम अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के बनाएंगे और जो बॉल्स है उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। अगर क्रैक आ रहा है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालें। अब मैं इन बॉल्स को एयर फ्राई करूंगी।